हेलो नमस्कार दोस्तों। तो मेरा नाम है सौरभ और आप सभी का स्वागत है सौरभ ब्लॉगिंग सपोर्ट यूट्यूब चैनल में। तो भैया आज मैंने जिस गेस्ट को इनवाइट करा है उन्होंने बिना किसी शेयरिंग के फेसबुक में मूवी अपलोड करके उसे वायरल किया है। तो आज आप इस पॉडकास्ट में सीखोगे कि कैसे आप फेसबुक पर मूवी अपलोड कर सकते हो, कैसे आपको कोई भी मूवी उठा के उसे एडिट करना है बहुत ही इजी वे में, क्योंकि कम टाइम में ज्यादा चीजें आप इस वीडियो में सीखोगे। आपने यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे जहां लोग बताते हैं बिना किसी शेयरिंग के आपकी कोई वीडियो वायरल नहीं हो सकती है, लेकिन एक्चुअल में आज एक ऐसा मेथड इस वीडियो में रिवील हुआ है जहां पर आप बिना शेयरिंग के फेसबुक पर मूवी वायरल कर सकते हो। और जिनको मैंने इस पे इनवाइट करा है वो बिना शेयरिंग के 5-5, 6-6 मिलियन व्यूज लाते हैं अपनी वीडियोस पे। तो ये सब कैसे करते हैं और इसके बारे में आप कैसे डिटेल में जानोगे, तो आपको इसके लिए ये पॉडकास्ट एंड तक देखना पड़ेगा। तो आप लोग इस पॉडकास्ट को देखो और सीखो कि कैसे आप काम स्टार्ट करोगे। और इन भाई ने एक महीने में ही 19,000 फॉलोअर्स कर लिए और अपनी 6-6 मिलियन रीच पहुंचाई है अपनी मूवीज जो उन्होंने फेसबुक में अपलोड करी है। तो पूरा कॉपी पेस्ट मेथड है, तो आपको इसमें सारी चीजें पता चलेंगी, कैसे पेज बनाना है, कैसे आपको कोई भी पॉलिसी वॉल्यूशन को हटाना है। तो चलिए यही सब जानते हैं और इन गेस्ट को इन्वाइट करते हैं। तो चलिए शुरू। तो आशीष जी आपका वेलकम है हमारे इस चैनल में। तो आशीष जी आपका छोटा सा इंट्रो हो जाए जिससे ऑडियंस को आपके बारे में पता चले और वो जाने कि आप कौन हैं और कहां से हैं। मेरा नाम आशीष चौधरी है और मैं एमपी के पन्ना डिस्ट्रिक्ट से हूं और गांव से बिलोंग करता हूं। तो अभी आप किस किस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं इसके बारे में भी थोड़ा बता दीजिए। अभी मैं यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक तीन प्लेटफॉर्म पर काम करता हूं और तीनों जगह से मेरे को अर्निंग होती है। ओके, तो गाइज आज आप लोग सीखोगे कि कैसे भैया आप लोग मूवी अपलोड करके फेसबुक से पैसा कमा सकते हो। और आशीष भाई को इस पे बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है और आशीष भाई ने रिसेंटली एक अभी पेज ग्रो किया है और जिस पे विदाउट शेयरिंग इनके बहुत अच्छे व्यूज हैं, 5-5 मिलियन व्यूज गए हैं बिना किसी शेयरिंग के। तो आशीष जी इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि आपने अभी रिसेंटली कितने दिन हुए हैं जो आपने पेज ग्रो किया। मैंने इस पेज पर 2 नवम्बर से काम किया है और अभी लगभग 1.5 महीना हो चुका है। इसके अंदर मैंने इस पेज को 19,000 फॉलोवर तक कर दिया है केवल 1.5 महीने में। और मैं जो भी वीडियो डालता हूँ उस वीडियो को किसी भी ग्रुप में शेयर नहीं करता हूँ और इसका जो वीडियो का रीच है मेरा बहुत अच्छा रीच जाता है पूरा वीडियो का। तो आपकी मैक्सिमम अभी तक वीडियो की रीच कितनी गई है एक वीडियो की? एक वीडियो पर लगभग 6 मिलियन गई है। क्या बात है। तो गाइज आप लोग देख रहे हो कि बिना किसी शेयरिंग के आप फेसबुक पे मूवी अपलोड कर सकते हो। तो अभी आशीष भाई आपको पूरा मेथड बताएंगे कि क्या कैसे करना है। तो आशीष भाई आप ये बताइए कि आपकी जर्नी क्या है, कि मतलब आपको कितना टाइम हो गया है फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे काम करते हुए, फिर आप ऑडियंस को सिखाओ कि कैसे भैया फेसबुक में मूवी अपलोड करते हैं बिना किसी शेयरिंग के। ये बहुत बड़ी बात है, आज तक चैनल पर जितने भी यूट्यूब पर चैनल है सबने बताया बिना किसी शेयरिंग के मूवी वायरल नहीं हो सकती है, लेकिन आप ऐसा बता रहे हैं कि आपने बिना शेयरिंग के अपनी वीडियोस को वायरल किया है। तो पहले आप अपनी थोड़ा सा जर्नी के बारे में बताइए, फिर इसके बारे में बात करते हैं कि ये सब कैसे करना है। जी, मेरी जो जर्निंग है, मैंने अपना एक मोबाइल लिया था 2019 में और उसमें लगभग मैंने 2 साल तक वीडियो एडिटिंग सीखी। इसके बाद मेरे को 2022 में पता चला कि सोशल मीडिया से भी पैसा कमाया जा सकता है। मैंने उसी टाइम से ही पहले यूट्यूब पर काम करना चालू किया, इसके बाद मैं इंस्टाग्राम पर आया, फिर मेरे को इसी साल पता चला कि फेसबुक पर मूवीज करके ऐसा कमाया जा सकता है, तो मैंने 2 नवंबर से ही फेसबुक पर मूवीज अपलोड करना चालू कर दिया और किसी भी वीडियो को किसी भी ग्रुप में शेयर किए बिना भी बहुत अच्छा व्यूज लाया जा सकता है। लेकिन वो कैसे लाया जा सकता है वो सब आपको वीडियो में पूरा पता चलेगा, वीडियो को लास्ट तक आप लोग देखना। ठीक है, तो आपने 2019 में स्टार्ट किया था, तो इस बीच में आपको डिमोटिवेशन नहीं आया कि आपको काम छोड़ देना चाहिए, आपको नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ? नहीं, मेरे को कोई भी डिमोटिव नहीं हुआ क्योंकि मेरा पैसा कमाने का कोई मकसद नहीं था। मैं अपनी इच्छा से काम करता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है वीडियो बनाना, एडिट करना। ओके आशीष जी, मतलब आपका ये पैशन है। तो चलिए अभी आशीष जी बात करते हैं कि फेसबुक पे आप कैसे मूवी को अपलोड कर सकते हैं और उसको वायरल कर सकते हैं। तो आशीष जी अभी थोड़ा सा टिप्स एंड ट्रिक्स हो जाए कि सबसे पहले आप बताइए कि फेसबुक पे मूवी अपलोड करने के लिए फेसबुक पेज कैसे बनाना चाहिए, कि मतलब कोई कैटेगरी या कुछ, क्या सारी चीजें आप थोड़ा सा शॉर्ट में बता दीजिए। देखिए, अगर आप लोग फेसबुक पर मूवीज अपलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एंटरटेनमेंट कैटेगरी सेलेक्ट करना है, या आप एक क्रिएटर हैं तो आपको वीडियो क्रिएटर वाली कैटेगरी सेलेक्ट करना है। आप जिस भी तरह का कंटेंट अपलोड करोगे उसी तरह की आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। अगर आप कॉमेडियन वाला भी पेज बना रहे हो फेसबुक पर तो
तो आपको वहां पर भी आपको इंटरटेनमेंट ही सिलेक्ट करना है, इससे आपका वीडियो जल्दी वायरल होता है। और वीडियो को अदर यूट्यूबर बताए हैं कि बिना शेयरिंग के वीडियो वायरल नहीं होता है, तो आज मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताऊंगा कि बिना शेयरिंग किए भी आप अच्छा व्यूज गेन कर सकते हो। ओके, तो आशीष जी आपने बता दिया कि पेज कैसे बनाते हैं, तो अभी ये बताइए कि पेज पे प्रोफाइल वगैरह में कुछ स्पेसिफिक लगाना है या फिर कोई नाम ऐसा रखना है जो मतलब हमारा वायरल करने में हेल्प करे? नहीं, देखो नाम वाम कोई मैटर नहीं करता, आपका वीडियो अपलोड करने का तरीका मैटर करता है वीडियो को वायरल करने के लिए। आपको नाम जो भी अच्छा लगता है आप नाम वो रख सकते हैं, लेकिन आप वीडियो किस तरह से अपलोड करते हो ये मैटर करता है। ठीक है, तो अभी आशीष जी ये बताइए कि अगर हमें मूवी जो भी अपलोड करनी है तो उसको सबसे पहले हमें कहाँ से उठाना है, कैसे डाउनलोड करना है? देखो उस मूवीज को आप किसी भी वेबसाइट से उठा सकते हो, लेकिन सबसे अच्छी वेबसाइट आप filmzilla.com से डाउनलोड कीजिए। और उस मूवीज को डाउनलोड से पहले आपको उस मूवीज को चेक कर लेना है उसका OTT किसी ने लिया तो नहीं है, क्योंकि अगर उसका OTT किसी के पास है तो वो आपको कॉपीराइट मार सकता है। इसलिए सबसे पहले इस मूवीज का चेक कीजिए क्रोम पर जाकर कि इस मूवीज का OTT किसके पास है, तो वो बता देगा कि नेटफ्लिक्स का है कि अमेजोन प्राइम का है, ये सब देख लेना है। और आपको गोल्ड माइस, नेटफ्लिक्स, इन सब का आपको मूवीज नहीं लेना, नहीं तो आपके वीडियो पर कॉपीराइट आ जाएगा। ठीक है, तो ये बताइए कि आप जो बात कह रहे हैं कि हमें इस वेबसाइट से मूवीज को उठाना है, तो क्या बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम यूट्यूब से भी मूवीज को उठा सकते हैं, तो क्या वो तरीका सही है? हाँ, उठा सकते हैं यूट्यूब से भी मूवीज, लेकिन वहाँ पर 2-3 ऐसे चैनल हैं जिनका आप अगर मूवीज उठाते हो और जैसे ही आप फेसबुक पर अपलोड करते हो तो वो आपको कॉपीराइट मार देते हैं। तो आपको गोल्ड माइस और 2-3 चैनल और हैं जिसका मेरे को नाम याद नहीं है। ओके, ठीक है, तो अभी आप बताइए कि जैसे हमने कोई भी मूवी को डाउनलोड कर लिया, ठीक है, तो अभी हमें उसके बाद उस पे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि मतलब क्या एडिटिंग करनी है, क्या कैसे करना? देखो आप किसी भी मूवीज को जैसे ही डाउनलोड कर लेते हो, अगर मूवीज 4K में डाउनलोड है या 2K में डाउनलोड है, और अगर आप उसको काइनमास्टर ऐप से एडिट करना चाहोगे तो वो काइनमास्टर ऐप से एडिट नहीं होता है। आप उस मूवीज को इनशॉट एप्लीकेशन से एडिट कीजिए, वो सबसे अच्छा मेथड रहता है। अगर आप लोग इनशॉट एप्लीकेशन से मूवीज को एडिट करते हो तो आपको इनशॉट एप्लीकेशन को जैसे ही ओपन करते हो आपको वीडियो वाले ऑप्शन पर जाना है, फिर आपको उस मूवीज को सिलेक्ट कर लेना है जिसको आप एडिट करना चाहते हो। इसके बाद आपको कैनवास वाले ऑप्शन पर जाकर 1:1 सिलेक्ट करना है, फिर आपको मूवीज को उस पार्ट को सिलेक्ट करना है जहां पर ज्यादा हंसी मजाक हो या ज्यादा एक्शन हो, ताकि जब आप फेसबुक पर अपलोड करते हो तो ऑडियंस उसको देखते ही रुक जाए। आपको मूवीज में से ऐसे ही पार्ट को सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपको आगे से उस वीडियो को कट कर देना है, और आपको वीडियो की लेंथ 10 मिनट से नीचे ही रखनी है और 3 मिनट से ऊपर रखनी है। इसके बाद आपको वीडियो की स्पीड को बढ़ा देना है, 1.3 से 1.5 के बीच में रखना है। इसके बाद आपको फिल्टर वाले ऑप्शन पर जाकर एक फिल्टर सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपको मूवीज को सेव कर लेना है। अब मूवीज आपकी फेसबुक पर अपलोड करने के लिए पूरी तैयार हो चुकी है। तो इसमें कोई क्वालिटी का है कि हम 4K में अपलोड करें 1080p में या 720 में, तो हमको कोई पॉलिसी वायलेशन या कॉपीराइट कंटेंट का इशू नहीं आएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने जितने भी मूवीज अपलोड किया हूँ उसमें कोई क्वालिटी पर ध्यान नहीं दिया हूँ। ओके, तो आप कितने क्वालिटी में एक्सपोर्ट करते हैं? मैं हमेशा 720 क्वालिटी पर एक्सपोर्ट करता हूं अपनी मूवीज को, और इसके बाद अपने फेसबुक पेज पर अपलोड कर देता हूं। ओके, ठीक है, तो अभी हमारी मूवी एक्सपोर्ट होके तैयार हो गई है, तो अभी आप मुझे उसका अपलोड करने का मेथड बताइए कि आप कैसे उसको अपलोड करते हैं कि बिना शेयरिंग के उस पे इतने ज्यादा व्यूज हैं। हाँ, मैं आपको पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ। बहुत सारे यूट्यूबर अपने चैनल पर बताते हैं कि डायरेक्ट ही फेसबुक पर से अपलोड कीजिए उससे ज्यादा व्यूज आता है, लेकिन आप जब भी डायरेक्ट अपलोड करते हैं तो वहां से व्यूज एक भी नहीं आएगा। मैं आपको ऐसा तरीका बता रहा हूँ, वीडियो को पूरा जरूर देखो। आपको क्रोम ब्राउजर पर ओपन कर लेना है क्रिएटर स्टूडियो, और वहां पर आपको अपने पेज को लॉग इन कर लेना है। लॉग इन करने के बाद आपको क्रिएट पोस्ट पर क्लिक करना है, मूवीज को सिलेक्ट करना है, वीडियो का टाइटल डालना है। टाइटल ऐसा डालना है तो देखने में थोड़ा अलग लगे, इससे ऑडियंस ज्यादा देखकर रुकती है। इसके बाद आपको कुछ उसमें टैग लगाना है, जैसे कि सुपरहिट मूवीज, न्यू मूवीज, बॉलीवुड मूवीज, हिंदी फिल्म, ये सब आपको टैग लगा देना है। इसके बाद आपको उस टाइटल को कॉपी करके डिस्क्रिप्शन में डाल देना है वही टाइटल। फिर आपको नीचे आ जाना है, नीचे आपको थंबनेल सिलेक्ट करने का ऑप्शन होगा, आपको कोई भी एक अच्छा थंबनेल सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको नीचे एक ऑप्शन होगा टैग लगाने का, तो आपको यहाँ पर टैग लगाना है। जैसे ही आप यूट्यूब पर टैग लगाते हो उसी तरह यहाँ पर भी टैग लगता है, तो आपको सेम जैसा टैग आपने लगाया है वो टैग लगा देना है मूवीज से रिलेटेड। इसके बाद जैसे ही आप नेक्स्ट स्टेप करोगे, इसके बाद आपको फिर से नेक्स्ट कर देना है,
अब यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि आप अभी वीडियो को पोस्ट करना चाहते हो कि शेड्यूल करके पोस्ट करना चाहते हो। शेड्यूल का मतलब होता है कुछ समय बाद। अगर आप अपनी वीडियो को वायरल करना चाहते हो तो उसका एक सही टाइमिंग होता है जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। इसके लिए आपको देखो हमेशा 12 बजे से 1 बजे के बीच में अपनी मूवीज को अपलोड करना है या आपको शाम को 6 से 7 के बीच में अपलोड करना है। इतने टाइम पर ऑडियंस सबसे ज्यादा होती है तो वीडियो वायरल होने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं। और मैं भी इसी टाइम के बीच में अपनी मूवीज को अपलोड करता हूँ जिसकी वजह से मेरी मूवीज वायरल होती है बहुत ज्यादा। तो आप एक बात बताइए कि आपकी जो पहली वीडियो थी फेसबुक पे वो कब वायरल हुई जब आपने इस पेज पे काम करना स्टार्ट करा? मैंने अपने पेज पर 2 नवंबर पर काम किया था स्टार्ट। इसके बाद मैंने पहली मूवीज उसी दिन अपलोड की थी दोपहर 1 बजे और वो मूवीज 3 मिनट की थी और उसी मूवीज पर केवल 1 घंटे के अंदर 5000 व्यूज आ गया था पहली ही मूवीज पर। ओके, क्या बात है। तो आपने पहले दिन ही मतलब अपने इस पेज पे ग्रोथ देख ली। इससे पहले आपने कभी दूसरे किसी पेजेस पे काम किया है क्या? नहीं, मैं पहली बार पेज बनाया था और पहली बार पेज पर काम किया। क्या बात है। तो आपने क्या मतलब सही गेस करा, टाइमिंग कितनी परफेक्ट रही आपकी कि आपके वीडियोस तुरंत वायरल होना स्टार्ट हो गए। जी, तो अभी बात कर लेते हैं कि आप इस पेज में क्या कैसे काम करते हैं, ये सब सीख गए ऑलमोस्ट सभी को। आपने बता दिया कि कितने टाइम अपलोड करना है, कैसे अपलोड करना है। तो अभी बात करते हैं आपके जो पेज है, तो आपने इस पेज पे क्या मोनेटाइजेशन इनेबल है? हाँ, मेरे पेज का मोनेटाइजेशन इनेबल है, लेकिन 2 दिन पहले ही मेरे साथ एक स्कैम हुआ है जिसकी वजह से मेरे पेज का एक्सेस किसी अदर पर्सन के पास चला गया है। अब वो क्या स्कैम किए थे वो आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले अगर आपके पेज पर ज्यादा फॉलोवर हो जाएंगे तो आपको कोई बंदा मैसेज करेगा कि हम आपको 2000-1000 डॉलर पे करेंगे एड चलाने का, आप हमारा एड उस पर पेज पर एड कीजिए। जैसे ही आप उसके बिजनेस पर आप अपना पेज एड करते हो उसके बाद उस बंदे के पास पूरा एक्सेस चला जाएगा आपके पेज का और आपके प्रोफाइल से वो पेज हट जाएगा। तो आप लोग भी ऐसी गलती ना करें, किसी भी बहकावे में लालच में ना आए, ये आपके साथ बहुत बुरा हो सकता है। किसी भी अगर कोई ऐड करता है कि आप मेरे वीडियो का प्रमोशन करो, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको अपनी मूवीज अपलोड करने पर ध्यान देना है और अपने जेन्युइन तरीके से पैसा कमाना है फेसबुक से। किसी का भी आपको प्रमोशन नहीं करना है फेसबुक पर, नहीं तो आप भी मेरी तरह से किसी के स्कैम का शिकार हो जाओगे। ओके, तो आपका जो ये फेसबुक पेज है वो अब आपके पास नहीं है, मतलब इसका एक्सेस दूसरे के पास है, तो क्या आपने इसके लिए कोई साइबर क्राइम में कंप्लेन वगैरह करी है या नहीं? साइबर क्राइम में मैंने रिपोर्ट कर दी है और मैंने अपने दोस्तों से मदद ली है कि वो लोग मेरे पेज को लाने में मदद करें, तो वो लोग भी मेरी मदद कर रहे हैं किसी तरह पेज को लाने की। ओके, तो अगर कोई भी जो ये वीडियो देख रहा है अगर वो कोई मेथड जानता है कि जिससे अगर फेसबुक पेज का एक्सेस चला जाए और उसे वापस कैसे ले सकते हैं, तो वो कमेंट कर सकता है या भाई का नीचे मैं चैनल और इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहां जाके भाई के साथ कॉन्टेक्ट भी कर सकता है। तो अभी भाई के साथ ये प्रॉब्लम हो गई कि चैनल जब अर्निंग करने को आया तो भाई का चैनल किसी और के हाथ पे चला गया, एक्सेस चला गया। ऐसे बहुत सारे यूजर्स से गलतियां होती हैं। अभी क्योंकि भाई ने पहली बार फेसबुक पे काम करना शुरू करा था और काम करते ही उनके साथ ये हो गया, लेकिन इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। भाई एक कंटेंट क्रिएटर है तो वो अपना कंटेंट दोबारा काम करके आप वो काम कर सकते हैं और पैसा बना सकते हैं। तो अभी आशीष जी आप दूसरी चीजें क्या सोच रहे हैं कि आप कैसे पैसा कमाएंगे और आप उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, अगर मेरा ये पेज चला गया है और वापस नहीं आता है तो मैं नया पेज ओपन करूंगा, नए पेज को ग्रो करूंगा, क्योंकि धोखा देने वाला बार बार धोखा देता है लेकिन जो मेहनत करता है वो हर बार सक्सेस ही होता है। तो अभी एक चीज हमारी रह गई है कि जब आपने ये पेज अपना ग्रो किया तो आपको क्या कॉपीराइट या रीयूज्ड कंटेंट या अनओरिजिनल कंटेंट, ये सब जो पॉलिसी वॉयलेशन है ये सब आपके साथ अगर आए तो आपने क्या क्या किया, या अगर किसी के में ऐसा कुछ आ रहा है कोई कॉपीराइट मैच कंटेंट आ रहा है तो उसे क्या करना चाहिए, ये भी थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि ऑडियंस को अभी सारे मिथ हैं। तो हाँ, अभी इस वीडियो के जो कमेंट आएंगे तो उसके बाद हम लोग उनको बता पाएंगे। तो अभी आप ये थोड़ा सा जी बिल्कुल, मैं सब कुछ बताता हूँ। जैसे ही अगर आप कोई नया पेज ओपन करते हो तो उस पेज में आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी का इश्यू हमेशा देखने को मिलेगा, चाहे कोई कितना भी नया पेज बना ले उसमें आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, लेकिन ये प्रॉब्लम 30 दिन के अंदर ठीक हो जाती है जैसे ही आप उस पर कंटिन्यू वीडियो डालते रहते हो। और जैसे बहुत सारे यूट्यूबर बताते हैं कि अगर आपके पेज पर कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू आ गया है तो आपको सारे वीडियो डिलीट करने पड़ेंगे, लाइव आना पड़ेगा, इसके बाद वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। लेकिन आपको उन वीडियो को डिलीट करना है जिन पर कोई कॉपीराइट मैच है या वायलेशन आया है,
केवल उन्हीं वीडियो को डिलीट करना है। अगर आप सभी वीडियो को डिलीट कर दोगे तो आपकी जो रीच है वो डाउन हो जाएंगी और फिर आपका वीडियो वायरल होना बंद हो जाएगा। और अगर आपके पेज पर कोई कॉपीराइट इशू आता है तो आप उस वीडियो को डिलीट कर दीजिए। आपको वो वीडियो अगर वहां पर शो नहीं होता है तो आपको 3 लाइन पर चले जाना है। इसके बाद आपको सपोर्ट पर जाना है, वहां पर आपको सपोर्ट इनबॉक्स पर क्लिक करना है। यहां पर आपको जिस भी वीडियो पर वायलेशन आया होगा या कोई अलर्ट आया होगा यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा और फिर आप उसको बड़ी आसानी से यहां से डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद आपके पेज पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपके पेज पर कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू है तो आप फेसबुक पर लाइव आइए, 1-1 मिनट का या उससे ज्यादा लाइव आ सकते हैं तो उससे ज्यादा लाइव आइए। इससे आपकी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी बिना किसी वीडियो को डिलीट किए हुए। आपको वीडियो वही डिलीट करना है जिस पे कोई इशू हो वही बस। क्या बात है, आपने मतलब सारी चीजें इतने शॉर्ट पे समझा दी हैं कि मतलब मैंने देखा है यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस पड़ी हैं जो 40-40, 50-50 मिनट की हैं लेकिन उसमें यही सब डिटेल में नहीं है, लेकिन आपने इतने शॉर्ट पे इतना डिटेल में बता दिया है। तो यार जो भी इस वीडियो को देख रहा है एक लाइक तो बनता है। और आशीष भाई के यूट्यूब पर 3-4 चैनल है, एक चैनल पर 1,70,000 सब्सक्राइबर्स है, एक पर 28,000 सब्सक्राइबर है और ऐसे ही इनका इंस्टाग्राम है, वहां पर भी इनके अच्छे फॉलोअर्स है। तो इन सब प्लेटफॉर्म से भी ये काफी ज्यादा अर्निंग करते हैं, इंस्टाग्राम पे प्रमोशन से अर्निंग करते हैं। तो आशीष जी अभी तक आपने ओवरऑल देखा जाए तो सारे प्लेटफॉर्म से मिला के कितना पैसा कमाया होगा? 1 लाख। क्या बात है, तो आपने अभी तक 1 लाख रुपए कमाया है। और ये मतलब आपके कितना 2019 के बाद का काउंट कर रहे हैं या अभी आप 1 साल का काउंट कर रहे हैं, 1 महीने का, कितने दिन का? 1 साल का, क्योंकि 2 साल तक मैं रेगुलर वीडियो एडिटिंग सीखा हूँ, इन सब पे कोई ध्यान नहीं दिया था। वीडियो एडिटिंग सीखने के बाद मैं इन सब चैनल पर ध्यान दिया हूँ कि चैनल बनाऊंगा, फिर पैसा अगर कमाना है तो कमाऊंगा, ये सब। 2 साल में रेगुलर केवल एडिटिंग सीखा हूँ मोबाइल पर बस। ओके ठीक है, क्या बात है आशीष जी, मतलब आपने 2 साल पहले हसल करी है उसके बाद फिर आपने 1 साल रेवेन्यू जनरेट करा है। तो अभी आपके आगे क्या अचीवमेंट गोल है कि आप आगे क्या करना चाहते हैं, ऐसा कुछ? आगे भी मैं अपने सोशल मीडिया पर ही काम करूंगा, उसको ग्रो करूंगा। अभी जो मेरा पेज किसी दूसरे के पास एक्सेस है, मैं नया पेज बनाऊंगा, उसको ग्रो करूंगा, उस पर भी मूवीज करके ही पैसा कमाऊंगा, क्योंकि भाई यहाँ पर ऑडियंस बहुत ज्यादा है और पैसा भी बहुत ज्यादा मिलता है मूवीज अपलोड करने पर। ओके, तो अभी आपकी जितनी ज्यादा वीडियोस वायरल हुई तो क्या लगता है कितनी अर्निंग हो गई होगी? अभी देखो जितनी ज्यादा वीडियो वायरल हुई है सभी में कम से कम किसी किसी वीडियो में $200-$300 इतना अर्निंग होता है, अगर 5-6 मिलियन व्यूज भी जाता है। वो होता है मूवीज की वजह से, जिस तरह की मूवीज होती है उसी तरह से फेसबुक रेवेन्यू देता है। चलिए आशीष जी, थैंक यू चैनल पर आने के लिए और इतना ज्यादा इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और इस वीडियो में जो भी अगर कोई कमेंट या क्वेरी आई कि अगले पॉडकास्ट में और भी कुछ डिटेल में लोगों को जानना है तो हम आपके साथ फिर उस वीडियो पे कंटिन्यू करेंगे। जी बिल्कुल, धन्यवाद आपका अपने चैनल पर मुझे इन्वाइट करने के लिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा क्योंकि इस वीडियो में शॉर्ट में सारी इन्फॉर्मेशन रिवील कर दिया। लेकिन अभी भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप कॉमेंट करिए, मैं आशीष जी के साथ अगला वीडियो प्लान करूंगा जिसमें वो आपको और भी डिटेल में समझा सके। और आप भी अवेयर रहिए, आपके पास जो $1,000-$2,000 के जो भी प्रमोशनल मेल आते हैं उनको आप स्पैम में डालिए, उनके आप ट्रैप में मत फंसिए कि आप अपने फेसबुक पेज का एक्सेस दे दें। आप अपने फेसबुक पे कोई भी प्रमोशन करें लेकिन आप उसमें अपने पेज का एक्सेस उसको मत दीजिए, क्योंकि ऐसा कोई भी प्रमोशन नहीं होता है जिसके लिए आपको एक्सेस देना पड़े। कोई भी यूट्यूबर भी प्रमोट करता है यूट्यूब पर वीडियो को तो वो अपने चैनल पर एक्सेस नहीं देता कि आप आके वीडियो अपलोड करो, तो ऐसा आपको नहीं करना है, बी अवेयर। तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है, नहीं तो आपके साथ भी फ्रॉड हो सकता है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।